गलत लगा दिया ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واجب التكريم سامعین کرام قرآن مجید نو آدمی پڑھے اور رسول کریم علیہ السلام دی حدیث دا مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ دے بارے دینا شاید دا حکم ہویا کہ اللہ تعالیٰ نو انہاں چیزاں یاد کرو انہاں چ ایک تسبیح ہی اللہ نون سبحان کہو
इस तो सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह वबिहम्दे कहिए, सुभान अल्लाह अज़ीम कहिए, तरह तरह के कलमे सुबूह कुद्दूस कहिए, तस्बीह अल्लाह ताला दा हुक्म है कि अल्लाह ताला दे बारे च अपने दिलां च जमाओ और ये अपनी जबान नाल इकरार करदे रहो। तस्बीह कोई छोटी जी गल नहीं, तस्बीह दा अल्लाह ताला दी जात सिफात अफाल सब नाल ताल्लुक है कि पहला अल्लाह ताला आप की है, उहदे अंदर कोई कमी नहीं, कोई नक्स नहीं, कोई खामी नहीं। असी भावें कोई साढ़े चो नबी या कोई फरिश्ता जो मर्जी, एक दौर ऐसा सी जो है नहीं सी, ये आदमी साबिक होता कि नाम निशान ही नहीं सी, अल्लाह ने बनाता फिर वक्त आता कि खत्म हो जाते, कभी तंदुरुस्त होंगे कभी कमजोर हो जाते, जवान होंगे बुढ़ापा आता, तरह तरह की कमियां का शिकार है। अल्लाह ताला इन्हां शायद बिल्कुल पा के कोई वक्त ऐसा नहीं आया जो है नहीं सी, ना कोई वक्त ऐसा होना कि ना हो। इस तो ही हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने आम लोग सवाल करने लगे अल्लाह ताला कदों तो, उन्होंने आख्या यार तू वो वक्त दस जदों खुदा है नहीं सी, मैं तेन दसा भी फलां वक्त तो जरा कदों तो है ना वो खुदा नहीं, खुदा हो ही है जिदा ना कोई शुरू है ना कोई अखीर है, अपनी जात ही वो सबूह है, वही वो जात कमी जड़ियाँ वो सिफत इलम है कुदरत है सुनना वेखना जिन्हिया भी शाना है उन्होंने भी ऐबा तो पा के सारे के सारे जिन्ने ना हर आलम अखीर हथियार सीटने पेंदे है, जेदे परले कुछ हैगा ना जाती नहीं, उस नबी वली का अपना कुछ नहीं, रब देंदा और जिन्ना देंदा उन्ना ही है, तो जो छीन लवे वो छीन भी लेंदा। बड़े बड़े फिर कह देंगे भी नबी रसूल भी साहबर ने सियान का शिकार हो जाए, भुल जाते हैं गल अल्लाह की नहीं, अल्लाह ताला का इलम जरा अपना कामिल है, एक जर्रा भी वो इलम तो बाहर नहीं और वह इलम उस कभी जुदा नहीं होता, कभी उन्होंने भुल जाए चेता ही नहीं रहा ना। इस तरह वह सुनना वेखना साडा सुनना वेखना भी थोड़ी दूर तक आवाज आती है, कहते कान बहरे नहीं सुनता, अल्लाह पाक इस तो भी पाक है, हर शह सुनता, जो पिछे गुजर गया वह आवाजा भी सुन रहा, जड़िया आनी है वह भी पेशगी सुन रहा, वह सुनना भी कामिल है मखलूक की तरह नहीं, तो वह अफाल भी कमी तो पाक है। तीन ही शह होंदियां, खुद शह होंदी है फिर वह कुछ सिफतां होंदियां बाद चो कुछ काम करता, अल्लाह अपनी जात सिफात अफाल सब पाक, वह ऐब तलाश करे ना आदमी क्या खामी है, तो अल्लाह नहीं कभी भी दिल से वसवसा आ गया ब्याह की है नहीं, ये खुदा नहीं, ये तेनों को मुकाबला लगा अल्लाह से कहीं नहीं, उन्होंने जरा हर खामी तो पाक वो बारे से सोच भी नहीं सकते ब्याह क्यों आया, वो अफाल भी जरा कम ये भी खामी तो पाक। मैं हूँ अफाल का जरा जिक्र करना क्योंकि ये बारे से अभी तशवीश का शिकार हुए, सारी दुनिया इसे मुसीबत फंसी है, वो अमीर क्यों है मैं गरीब क्यों हूँ, मेरा कम क्यों नहीं हो रहा, मैं तंदुरुस्ती हूँ बीमार क्यों हो गया, ऐ क्यों हो गया, यूं क्यों हो गया, ये समझने के अल्लाह ताला जो काम करता ना उसे कुछ गलतियां, एक काम उन्हें ठीक नहीं किया, इतराज़ कर दें भी यार जवानी बच्चा बेवादा मारता ऐ की हो गया, एक ऐडा कुफर है जेदे नाल दा कुफर कोई अल्लाह मनना और फिर डिप्रैशन का शिकार हो इतराज करने। इस तरह अल्लाह पाक ने कई सूरत जड़ियाँ इन्हें लागे लागे इन्हों सबा तो शुरू किया या सभ्य तो शुरू किया, ये सारिया सूरत मुसबहात खाऊंगियाँ और नाल सब इसमें रबे करा ला वह भी ये शामिल तस्बीह तो शुरू हुई पहला अल्लाह पाक ने कहा सब हर अल्लाह माफ़ समाद आसमान और हर जमीन की हर शह ने उसकी तस्बीह की, जदों तो बनी है ना वो अपने वजूद नाल अपने होण ना दुआई दें मेरा बनाने वाला जरा कमियाँ तो पा क्या अल्लाह दसन कुला शान खरा जिन्हें जो शह बनाई अखीर कर दी है वो कमी और कसर कोई नहीं, कसर नजर आँगी साढ़े इलम की कोताही सानू अजय समझ कोई नहीं, असं एवें चीख दें आह नाड़ क्यों बन गई आ गया, अगे जाके इलम आप ही दस दिता बी बेवकूफ सी यही होनी जरूरी सी, इस तो बगैर जिसम नहीं सी ठीक बन सकता, तो सब हर इला हर शह जी दवाई दें चली आई है तो ये सब हो पर मैं पिछली गल ही कोई नहीं, हूँ भी हर चीज जी कह रही है तो क्या तो कहूगी कि अल्लाह पाक है वो कमी और कसर कोई नहीं, अल्लाह तला दलील भी देता भी क्यों मेरे बारे च मनाना जरूरी है भी मैं अल्लाह तला ने पहला फरमाया अल मलिकुल कुद्दूसुल अज़ीज़ुल हकीम, पहली गल है कि वह बादशाह ये नहीं बेवसों जो काम होंगे है कई कम ऐसे कि हुकूमत नहीं करना चाहती मजबूरियां ना हो जाते अभी फिर इतराज करने ब्याह क्यों कर दिता बाकी ठीक है वो तो नहीं सी होना चाहिए मगर वह मजबूर है, अल्लाह फरमाया अल्लाह मजबूर नहीं, अल मलिक बाइकतदार बादशाह
उन्हें अपनी बादशाह जो करना अपनी मर्जी ना करना, यह नहीं बेबसी हो जानी है जे तो तुम यह करो ब्याह क्यों उन्हें करता, नहीं खुद अपनी मर्जी और इरादे ने उन्हें काम करना। तो अल कुदूस बादशाह भी वो नहीं जो गलत काम करे, वह बेऐब बादशाह, उन्हें जो हुक्म जारी करना, किसी को गरीब बनाया किसी को अमीर बनाया को तंदुरुस्त बनाया बीमार बनाया, वो ठीक ही होना है। तुहानू नहीं समझ आती जो ना तुम अपनी समझ जी ना वो ना दारोमदार रखो, अल्लाह नू मनो कि साड़ी अपनी बेवकूफी है। अल्लाह पाक और नाल फिर दो सिफात बयान फरमाइया जड़िया नचोड़ आ सारी गल का, अल अजीज अल हकीम कि वह बादशाह दिल दो सिफत बेहद बादशाह और नाल अजीज है हकीम, बिल्कुल जिमें मोतियां की लड़ी होंगी ना जो सुनार बना नाल नाल जोड़ के एदा कुरान बनया अल अजीज अल हकीम। अजीज की गालिब जिन्हों कोई मजबूरी नहीं कोई हाजत नहीं, कई काम असी नहीं करना चाहते आप भी आने गलत है मगर साड़ा काम नहीं उस बगैर होंगे, असी वो करके झूठ बोलीए तो मुकदमा जितने रिश्वत देिए जान छुट दी है, असी मोहताज हो जाने बुराई कर फरमाया। अल्लाह नू की मजबूरी है कि वह गलत काम करे, अल अजीज गालिब है उसका अपना हुक्म चलता, इस तू कोई मोहताजी नहीं भी वह गलत काम करे। और दूसरा यह होंगे पता ही ना हो, आदमी जानता ही नहीं भी गलत काम होता, इलम ही नक्स हो या बेमौका काम करे, जानता भी है मगर बेवकूफी ने गलत काम कर दिया। फरमाया और हकीम गालिब भी है तो दाना है, इस तरह ने उही काम करना जरा उस मौका से सट है, यह ईमान है चीजें। इस जो आखिया ना ये जिक्र करो, ये जिक्र है नहीं जबान का चस्का, ये दिल च उतारने बे जिस खुदा नु मनना उसके बारे च मन कि उस दुनिया का बादशाह और बेऐब बादशाह, तो हर काम जरा वो हुक्म ना हों तो गालिब और जबरदस्त है, उन्होंने कोई मजबूरी नहीं तो ना वो इलम कोई खामी है। होनी मौलाना अब्दुल गनी साहब बैठे पूछते एक पुरानी किताब जी पढ़ी भी नहीं जाती, एक ही किताब है तजरीद उल कलाम, इतने तुम आते जो इतने ना शिया है ना सुन्नी है ना बरेलवी है ना देवबंदी, सब मुसलमान है इतने, वो गल जी चंकी दसी जी। तो तजरीद उल कलाम एक ऐसी छोटी जी किताब बनाई अल्लामा मुहम्मद इब्ने मुहम्मद तुसी ने, शिया आलम है बहुत बड़ा आलम है, नचोड़ कट के एक सतर तुम मनो कि अकीदा है अल्लाह की है क्यामत की है रसूल की है, बिल्कुल उन्होंने समझ नहीं ना लोग डुब गए इस किताब में किवें हल करिए, मुहम्मा सतर सतर लिखी जाना, वो फिर शरह लिखिया लोगों ने किसी पहले आलम ने लिखी किसी बाद की शरह जी कुश्ती की मशहूर एक सुन्नी आलम है जिन्हें फिर शरह की दसिया भी ये फिक्रे तो हल की है। तो इमाम तुसी फिक्रा है खुदा के बारे लिखता जरा अल अजीज और हकीम तुम दसा वाइलमो व इस्तगनाओ वाइलमो ये दो लाने वाला इंतफायल कबीर मैं नफाल, दो गल्लां जदों रब दे बारे समझ आ गईं कि उन्हों कोई मजबूरी नहीं वह गनी और बेनियाज क्यों गलत काम करे, और दूसरा इलम ये दो सिफतां दा दिमाग बह जाना कि कोई उन्हों हाजत नहीं ना उसका कोई काम अटकिया जिहड़ा गलत काम तो बगैर नहीं होना, इस तो उसका गनी होना और उसका पूरी तरह आलम होना, यह दो सिफतां जिहड़ियां इस गल का खात्मा कर देनियां वी तुसीं उहदे किसी फेर ते इतराज नहीं कर सकते ब्याह काम उन्हें क्यों किया, करोगे यदा मतलब या तो उन्होंने बेबस होया या समझे उन्होंने इलम अकड़ी कोई नहीं, अगर उन्होंने मुस्तगनी मनते जे कि उन्होंने कोई मोहताजी नहीं गलत काम कर दी तो ना वो इलम कोई खामी है, फिर तुम आपे यकीन हो जाऊ तो दिल ना बर्फ की सिल थले आ जाऊगा ठंड पै जूगी तो पहाड़ गिर जा मुसीबत के तो सारा कुनबा मर जाए तो माल लुटिया जाए, वो तभी दुख होना है। ठीक है इंजैक्शन लाते या जो डॉक्टर ऑपरेशन कर दुख तो लगता जिसम यह तभी तकलीफ है मगर अकल मुतमैन होंगी दिमाग नाल हों बहुत अच्छा कर रहा है मेरा इलाज कर रहा है, वह बंदा दिलों राजी हों तकलीफ आया जो मर्जी करे कि अल्लाह गलत नहीं करे। तो एक ऐसा समझो पौधा है जिसे बारे चुन मारे दरिया के किनारे से उगा है जिन्हों सोका नहीं आता और हमेशा तरोताजा तो फुल जरा ना महकता रहा, वरना सारे लोग ची ची करते रहेंगे सब कुछ ही पले हो गए ना इन्हों सुख नहीं नसीब हों सारी उम्र इन्होंने ना शिकायत ही कर दे क्योंकि ईमान नहीं ना खुदा दे गनी होने ना वे आलम होने इस पारों जबानों कहते रहेंगे दिलों नहीं मनते कदम कदम से इतराज उठाने सवाल करने ए क्यों हो गया है कि जे मनो बिदा कर रहा वो बिल्कुल ठीक कर इस अपने मुल्क समझो सिंध बुजुर्ग हो आलमगीर के जमाने मगर लोगों ने उन्होंने बारे मशहूर किया भी यहोजी गल कर रहा आखिर उलमा के फतवे ना बेचारे कतल है सरमद मगर उन्होंने एक रुबाई कही बड़ी प्यारी सरमद गिला इख्तसार नहीं बाय कर
आधा सरमद झगड़ा मुकाना चाहिए रौला चाहिए पहला ना गल किसी पास ला सरमद जरा इतसार नहीं बाल गया या कार अदी दो कार नहीं बाल गया दोवें कमां चो एक बार बह के एक काम कर ला या तन बर जाए दोस्त बाय दाद या अपने आप न यार की मर्जी से छड़ दे या कते नजर दिया यार बाय कर या मुंह मोड़ ला उत्तों छड़ दे उहदा ना नां लै कर जे तेनों उत्ते गिरे है तो दफा कर फिर ना उस अल्लाह नूं याद कर की मनना उहनूं ते जे मनना फिर अपने आप नूं उहदे हवाले कर दे बहुत वड्डी गल कही इहनां च इक गल नूं मुका ला तेरी जिंदगी किसे पासे लग जा सरमद गिला इतसार नहीं बाज कर या कार अदी दो कार नहीं बाज कर या तन बर दाए दोस्त नहीं बाज दाद या कते नजर दे यार बाज कर या खुदा नूं मनना ना ना उहदा लै और या फिर उहदे कीते ते राजी हो जा मौलाना बदर आलम मैथी दे मदीना जाके फौत तर्जमान सुनने वाली बड़े बड़े देवबंदी आलम अल्लाह रहमत फरमाए तो भी उन्होंने एक अपनी किताब से शेर लिखा है इसके बारे जिंदा कुनी अताए तू बरबा खुशी लिखा है जे जिंदा रखें तो तेरी मेहरबानी और अगर तू मौत दे दें ये भी नुकसान कोई नहीं तेरा दीदार जा करांगे हर चे कुनी रजाए तू दिल शुदा मुबतलाए तू दिल तेरे ते कुर्बान हो चुका इस तो जो करी जाती राजी राजी खुश किड्डी वड्डी गल है इस तो सुभान अल्लाह भी कहने परले कुछ नहीं समझते भी किड्डी वड्डी गल तेन दसी जिन्हों चीजा से सुकून टूंढते हैं कि दौलत आ जाए कारोबार चल जाए फिर सो नहीं मिलना सुकून है कलब की दौलत कहाँ दुनियाए फानी बस एक गफलत ही हो जाती है और वो भी जवानी जवानी कोई नशे जा के बंदा में बसुरदया हो जाता अदल तब कम करता वरना दुख उदों भी नाल होंगे ये दुखों तो जान नहीं छुड़ा सकता यदा हल यही है बच्चे की तरफों दुख सुख आते ना उत्ते राजी हो जाए बिल्कुल दाना और हकीम है जो करता बित साढ़े तक अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम की बातें जड़ियाँ हिफाजत न पहुँच गई ए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस ने इमाम मुस्लिम ने नकल किया मेरे सामने ऐसे बुलूगल मराम भी शरह अल बदर तमाम लोगों ने लिखने वाले ने बड़े नेक कम किए अल्लाह तआला ने रहमत फरमाए ए इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब शरह बुलूगल मराम में अदलत अल अहकाम ली कल मेरा एक साथी जो अंगा उर्दू शरह मैनू ही दे दो मैं दे दी ये किताब की है बुलूगल हर बंदा इन हासिल कर छोटी जी बनाई अरे इमाम इब्ने हजर ने जो जिन्हें हदीसा चो हुक्म निकल दिया ना लंबिया चौड़िया गलां मुकदियां नहीं वुज़ू नमाज रोज़ा हज ज़कात हलाल हराम तलाक निकाह जो हुक्म शरीयत दे उन्होंने सारे का खुलासा करके आख्या अगर तुम इन्होंने हुक्मों की दलील लभते जे ना भी कि हदीस चो यह मसला निकलता तो बुलूगुल मराम मिना दिलत अलहकाम माना यदा है कि हुक्मों दिया दलीलों की अगर तुम तलाश है तो तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए तो हर शह बुलूगुल मराम तुम्हारा मकसद हल हो जाऊगा किताब की और यदि अगे शरह लिखने वाले ने किसी ने सुबुल सलाम लिखी किसी ने कोई लिखी ऐ अल बदरु तमाम है चार जिलना जिन समझो है 1119 हिजरी शौत हो अल काजी अल अलामा हुसैन मुहम्मद अल मगरबी इन्हें लिखी तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने बयान किया हुण हैगी नमाज की गल एक साड़िया नमाजा भी असं जो रट लिया निके होंद पढ़ी जाने कुछ नहीं दीन की कोई खबर नहीं एक अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ दी तो यह दुआ तवज्जो अखवाउंदी है जो अल्लाह अकबर कह के असी अल्लाह की बारगाह जाने ना तो अलहमद शरीफ पढ़न तो पहला दुआ इस्तिफ्ता कि खुदा की बारगाह पेश होया पहला उसकी कोई मदा सुना करिए कोई तारीफा करिए बहुत तरह की आप कभी सुभानक अल्लाहुम्मा वा बिहम्दिक पढ़ी है कभी अल्लाहुम्मा बाएद बैनी पढ़ी है कभी अल्लाह अकबर कबीरा पढ़ी है ये कोशिश करो कि सुन्नत नबी से जिनियाँ किताबा मबनी हैं जिन्हें हुज़ूर दियाँ दुआवां ज़िक्र होइयां तर्जमे और लो तो याद करो ताकि नमाज ना एक वरायटी पैदा न तरह तरह कभी आह फुल चुने कभी आह फुल चुने मजा आवे तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत किया अन कान अला काम है रसूल लंबी है मेरे काम का टुकड़ा छोटा जहा बिच मगर मैं बरकतरी चाहना सब तो पढ़ता जा रोंद अल्लाह रसूल अलैहिस्सलाम जो नमाज भी खड़े होंगे अल्लाह अकबर कहेंगे बाद बंदे पढ़ते हैं मगर वो भी सुन्नत अमल नहीं करते वजह तो वजह पहला पढ़ते रहेंगे फिर अल्लाह अकबर कहें नहीं अल्लाह अकबर तो पहला कोई गल मुँह नहीं कर वजू करके आके ना नीयत की इस नमाज ही ना कोई सब गलत बात अल्लाह अकबर बाद जरा खरे दुआवा शुरू हो जिन्हें च एक दुआ है लंबी वजह तो वजह लिल्लाजी फतर समावात
ஹனீஃபம் முஸ்லிம் நாமினும் ஸ்ருக்கீம் என்ன சலாத்தி வனுசுகி வமஹயாயா மாத்திலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் லா ஷரீக லஹு வபிதாலிக உமிர்து வானால் வமனாமினல் முஸ்லிமீன் அல்லாஹும்மா அன்தல் மலிக் லா இலாஹ இல்லா அன்தா அந்த ரப்பி வான அப்துகா ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعدك والخير كله في يدك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك अलहमद शरीफ तो पहला सुबहान कला की जगह दुआ पढ़ बहुत कुछ बयान होया मगर मेरा मजमून जरा उसने टुकड़ा वल खैर कुल्लो फी जितनी अच्छी चीजा किसी सेहत मिलनी है किसी दौलत मिलनी है किसी हुसन मिलना इलम मिलना जो अच्छी चीज ही नहीं सी हाफदा हर अच्छी चीज कुल सारी की सारी फीजदाय किसी के हथ नहीं ना किसी नबी दे ना वली दे तेरे हथा सारी तेरे कब्जे च वशर ऐसा इलाक और बुराई की तेरी तरफ निस्बत नहीं हो सकती बुरी शाय आखे ना भी अल्लाह ने आ की है एक एह जवाब ही कोई नहीं यह जो करूंगा कुफर बकू बस ईमान रखे कि अल्लाह ने जो किया खैर ही खैर है वो शर कोई नहीं हूँ शर तो असं वेने दुनिया च है एक आदमी जरा कोई लत पैर टुट गई है किसी को कोई हादसा पेश है यह शर्रे निस्बती है शर्रे इजाफी है कि उस बंदे लिए तकलीफ देश है शर्रे महज नहीं सारे कारखाने वेख के किया जाए तो अंदर सौ हिकमत है सौ फायदा जरा सारी समझ बार शर्रे हकीकी है शर्रे मैं जरा ना कि इस दुनिया निरी बुरी शाय हो नहीं अल्लाह पाक कभी नहीं हो सकता जो उन्हें करना है वह या खैर ही खैर है अगर शर भी नजर आए वे सानू कोई खराबी नजर आए तो खराबी उस बंदे लिए है वरना असल खराबी ए मैंने किस्सा याद है साढ़े मियाँ अब्दुल वहद अल्लाह तला रहमत फरमान के बच्चे इकराम अल्लाह उन्होंने हालात दुरुस्त करे जो ज्यादा फौत हो जनाजे से गए तो मैंने उन्होंने गल सुनाई भी असं उत्थे जो जी बैठे सी तो कुछ बंदे जड़े से उन्होंने दस्या भी असं फलां इलाके चो आए दूर तो असं उन्होंने पूछा भी तुम क्यों आए जी की गल तुहाड़ा की तालुक है उन्होंने आख्या यार साडे बच्चे ने उन्हें फांसी दिता ऐ शर्रे मैद ते शर्रे इज़ाफ़ी की गल समझ कि किसी लिए शायद वाकई तकलीफ दे मगर ठीक है उन्हें आख्या असं चाहता आया तो साडे बच्चे ने इन्हें फांसी दिता तो मैं आख्या यार तुम तो बदवा करनी चाहिए उन्हें आख्या नहीं साढ़े बच्चे ने कतल सचमुच किया अपील जड़िया कीतियां कुछ नहीं बनिया अखीर रहम की दरखास्त थी बड़ी पते की गल और मसले को समझ लिए जरा अल्लाह तआला कि अल्लाह काम नहीं वह गलत हों ना वो कोई खराब हों किसी लिए हों जरा उन्होंने तकलीफ होंगी उस अपील हो जिस रहम की असी कोशिश की मिलीए गल कोई ना बने तो सानू फिर किसी बंद ने दसाया भी थोड़ी मुलाकात फलां मस्जिद जी ना वो तहज्जुद के वक्त हो सकती उत्थे उन्होंने तहज्जुद पढ़नी उत्थे तुम छुप जाओ उत्थे मिलना वरना थोड़ी मुलाकात नहीं होगी असी उत्थे जाके ना बैठे रह अद्धी रात हुई असी देखिया सिपाही आ गए उन्होंने पहरा शुरू करता इन्हें जो ज़ियाउल हक याद उन्हें आके ना मस्जिद में झाड़ू दिता आप और फिर बत्ती बजा के ना तहज्जुद पढ़ रहे असी बैठे रहे लोग तहज्जुद खत्म हुई तो अगे तो उन्हें पूछे अब कौन जो तुम असी सारी गल सुनाई आ किस्सा उस आख्या तुम कि जगह खड़े जी इन्हें आख्या मस्जिद ये की है अल्लाह का घर तुम कौन जे मुसलमान हूँ इस जगह से खड़े तुम दसो बच्चा तुम्हारा जरा बाकी कातल है इन्हें आख्या हाँ हैगा कातल उन्हें आख्या जरा कानून च रखिया भी माफ़ी दे दे सदर ये दुनिया का कानून है बारिश छड़ देना शरीयतां दी है ज़ियाउल हक को कोई इख्तियार नहीं मैं किड़े मूना वो कातल छड़ दें जिन्हों का मारिया उन्होंने हक से छड़ना मैं नहीं छड़ सकता वो कातल जरा होण पर साडा बच्चा फांसी चढ़ गया मगर वो गल साडे दिल दम गई मैं बिल्कुल नहीं ठीक है किस तरह मैं खुदा के कानून के खिलाफ तुम्हें माफ़ी दे दें यह शर्रे मैद और शर्रे दाज़ एक बंदे लिए उन्होंने कोई हादसा हो गया ठीक है उन्होंने तकलीफ हुई है मगर आखिए ना निरा बुरा गलत का ये नहीं बुरे का सानू की पता अल्लाह ताला के सामने है अरश तो लैके तख्त सरार हजरत तो लैके अब सारी मिसलिया उन्होंने पता बैदा कोई फायदा है यदा नुकसान है सानू नहीं पता और ये कुरान मजीद ने हजरत मूसा और हजरत खिदर अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना सी पढ़ लेने समझते नहीं मूसा अलैहिस्सलाम किड्डे मरतबे आदमी
किसी ने रब ने इदा गल नहीं जिम्मे मूसा अलैहि सलाम ने की उधरों ये बोलते थे उधर रब बोलता हो कला मला मूसा तकलीम अल्लाह ने सच मत मूसा ने इदा ही बातें की जिमें तुम कर दी मगर जो फेरिया नाल वह भी यह होया भी मूसा अलैहि सलाम तकरीर की सही बुखारी ने बहुत ज्यादा तकरीर की असर बड़ा मजमे से होया एक बंदे ने उठ के कहा था आम हवाले ना भी मूसा अलैहि सलाम तो वड्डा आलम भी कोई है उन्हें इन्होंने जोर च गल गलत ही कोई नहीं सी वक्त ने भी उन्होंने कहा नहीं मेरे तो वड्डा आलम कोई नहीं अल्लाह तआला ने आखा चल फिर तेन विखाइए कुछ नहीं जरा मैं तेन इलम दिता समुद्र च खतरा आलम दे मुक गया हजरत खिदर अलैहि सलाम को भेज दिता तुहाडे सामने फिर उन्हें बेड़ी तोड़ी हालांकि उन्होंने मुफ्त चढ़ाया किराया ना लिया इन्हें बेड़ी भन दी मूसा अलैहि सलाम कहा यार चंगा काम किया उन्होंने नेकी की है तू बेड़ी भन दी है बाद बच्चा मार दिता फिर कंध जी जो पिंड गया उन्होंने को रोटी मंगी उन्होंने कोई दावत नहीं की उन्होंने कंध टठन लगी से उन्होंने बना लग गया कहने तेरे सारे कम पुटे इन्हें आख्या बस फिर हूँ तेरा मेरा मामला खत्म है तू नहीं मेरा साथ दे सकता तो बाद चला दे हुक्म ने दस्या भी राज आए उस बच्चे की दस्या भी तेनों बच्चे की पई है भी बच्चा मारता ये बच्चा जिंदा रहा तो बड़ा हरामी सी मां बाप बेचारे मुसीबत पाँगा उन्होंने हूँ दुख होया मगर उन्होंने गलों लह गया अरे जी बजाय अल्लाह तआला ने नेक औलाद देनी है जी दुनिया की उन्हें बेहतर होनी तो आखिरत की होनी यह अल्लाह तआला सारी गल्लां तद सुनाइया भी मैं कोई काम किसी मजबूरी तो या बेवकूफी तो नहीं करता वो कम करना मुनासिब होगा वो कम की बेहतरी है बच्चा तो हजरत अली रज़ी ने जी हजूर की दुआ पढ़ी इस भी किया तेरे दो हाथों खैर ही खैर है शर्त नहीं बुराई कोई नहीं इसलिए हम जरा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जो मैनू तुहानू पहुँचाया यह बीमारी तो असं परेशान हो चंगा भरा यार की हो गया जिन्ना बीमारी जिन्ना स्वाब तंदुरुस्ती है यह ठीक है भी तंदुरुस्ती सानू तबी तौर पर पसंद है जिसम चंगी लगती है आराम ना फिरना रूहानी तौर पर और अकली तौर पर जो नफे बीमारी च है तंदुरुस्ती जो कुछ नबी अलैहि सलाम बयान किया सुन लीए तो बंदा कभी भी ना आखे भी की हो गया समझे ये जरिए खनी अल्लाह तआला तेरे किन्ने इनाम कर रहे आना भी हुरैरा तवाना भी सही दिन आए नबी सलसल हजरत अबू हुरैरा है हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहि सलाम ए वेखो ना उत्तों की है सता दे दुख है तकलीफ है थले मोती मोती है काला मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हमिन वला हुज़्निन वला ज़न वला गम ए सारी परेशानियां कि मुसलमान अगर कोई थकावट होंगी है उन्हों कोई बीमारी लग जाती है उन्हों कोई परेशानी होंगी है कोई गम होंदा है कोई तकलीफ आँदी है या होर गम हत शौकत शाकवा हत्ता के उन्हों किते कंडा भी चुभ जाता ना तो पिटे कोई ना इला कफर अल्लाह बिहा मिन खताया इन्हां सारियां दे सदके अल्लाह तआला उन्हां बहुत सारे गुनाह चाड़ दिंदा उन्हों पता भी नहीं लगता इत्थे ही माफ़ करन दा अगली दुनिया जाके भुगतदा फिरेंगा ए थोड़ी जी तकलीफ वेख ला मैं मुफ्त भी नहीं तेनों दित्ती इहदे बदाने जना और एक हदीसे पाक अल्लाह दे रसूल ने फरमाया जिवें पत्त चढ़दे दिन हुंदे बहार गुजर जांदी ते पत्ते सुक जांदे डिगदे फरमाया इदां ही बंदे दे गुनाह डिग जांदे आ जदों अल्लाह दी तरफों कोई मुसीबत आउंदी इस तों रसूल अल्लाह फरमाउंदे तुसीं क्यों बुखार नूं किसे शै नूं बुरा कहिंदे जे समझा करो और बड़ी प्यारी मिसाल दित्ती पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस दरख्त दो तरह दे असीं वेखदे आं इक आम फसलां नरम जिहड़ियां बे हवा आई जिहनूं चुक गया दूजे पासे आउण ते टुटदी नहीं चुक जाने खामत जरे एक ऐसे जिन्हें सनोबर के दरख्त आइए बड़े बड़े ये हवावान इन्हों का कुछ नहीं बिगाड़िया फिर झक्खड़ आता तो लक तो तोड़ता है काफिर बेईमान की मिसाल है सनोबर के दरख्तों की ये ऐसे है कि किसी दुख सुख तो फायदा नहीं उठाते ना दुख से अल्लाह के अगे चुकते ना सुख से चुकते इस तो ना मुराद टोला इन्हों से फिर ऐसा ही अदाब आता जरा इन्होंने जड़ा तो उखाड़ दिता मोमिन की मिसाल आपने फरमाया मसल उल मोमिने मसल जर मोमिन की मिसाल जी नरम खेती की है ला तदार रही हो तमील हवा आँदी है इधर आई एन हो गया उधर आई एन हो गया टुटन तो बचा रहा यह मतलब अल्लाह तला के चुकया रहा दुख सुख दे के अल्लाह साई बंदा अजमावे केड़ा वे दर से चुकता तो केड़ा कंध विखावे हजरत आदम अलैहि सलाम के बारे हरी साहब बाग चाहता सिलसिला तो हादी सही अलामा लिखते अल्लाह ने कंध से हथ फेरिया तो मैं तुम जिन्हें ना क्यामत सारे कड़ लै उस सारी रूह निकलाइया तो आदम अलैहि सलाम ने देखा कोई तंदुरुस्त कोई बीमार कोई सुजाखा कोई अन्ना कोई अमीर कोई गरीब जाके अल्लाह तू कादर मुतरक सी
तेरी ताकत है हर काम की, तू ना सारा ने कोजा बना दिता, पर मैं आदम स्कीम तबाह हो जाए, सारा काम बर्बाद होकर रह जाता। कोई जेडे उन्होंने सुखी बनाया बे शुक्र कर, किसी को दुखी बनाया बे सबर कर, परचे दो ही इन्होंने इंसानों के सामने शुक्र और सबर का, जेडे इन्होंने सही फायदा उठा के पास हो जाएंगे, जिन्होंने नियम शुक्र ना किया बुराई दुख सबर ना किया आपे तबाह हो जाएंगे। अरे सुखी दुखी बंदे जेडे, हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने बड़ा प्यारा मसला हल किया, बड़ा परेशान कौन मसला है, सुभान अल्लाह ना मनिए थे हाल ही नहीं होंदा, पिट दे बड़े बड़े दाना, एक ही हो गया गरीबी है फलानी गल समझते हो, बेचारा दुनिया में चलाऊंगा बेवकूफ है। तो जो ईसा अलैहि सलाम तो सुनो लोगों ने पूछा बया जे माँ के पेटो अन्ने जमते बच्चे ये कसूर है किस गल की सदा, इन्हों के माँ प्यो का कोई जुर्म है जी जी? तो ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया नहीं इन्हों चो कोई गल नहीं, ना इन्हों सजा है ना कोई इन्हों के माँ बाप का कसूर है, इन्हों के जरिए अल्लाह तला वो कम लै रहा जरा बड़े बड़े आरम नहीं कर सकते, वो जिन्ना मर्जी बात कर देना असर नहीं हो सकता, मगर एक कन्ने वेखन बेचारा सड़क खराद सड़क पार नहीं कर सकता, खाद आई के डिग गया, तो फिर फरमाया ताकि आंखों वालों को सजाई दे। इस वन अल्लाह ने बनाया जिन्होंने तंदुरुस्त अखा मिली ना उन्होंने होश आवे, उन्होंने अखा सुरमा पवे, तो खुदा इदा का भी बना सकता सी हुण भी बना सकता, जे तू तंदुरुस्त है अल्लाह अगे चुकदा, जे मुसीबत है तो सबर कर, तेरी इस मुसीबत के अफजाने अल्लाह बहुत अजर दूंगा। हजी से पाक तदे आऊंगा भी यह दुखी जड़े अल्लाह तला कयामत देने खड़ा करूंगा, क्यों मैं तुम मेरे मिशन से सी, मैं तुरंत तक काम लै रहा है लोग तुरंत नसीहत फगन, मगर यह दुख जरा तुरा को गुनाह तो नहीं सी, यह जन्नत खड़ी है पहला यदा इफजाना मेरे को लो हिसाब किताब बाद चूंगा, दुख जेडे तुझ भोगे उन्होंने बदला मैं दूंगा। आदिल और रहीम खुदा है, यहोजे खुदा नु मन के गिले शिकवे पैदा होने से सलाम कोई नहीं। ये मेरे बच्चे ने पूछा भाई असं सारे अल्लाह नु मनने कि मगर यकीन नहीं हासिल होंदा, तो इस बारे भी नेक लोगों ने लिखा इस अमल में भी तुम शुरू कर दो अल्लाह तौफीक दे कि फजर की नमाज तो बाद ना 41 बारी इन पढ़ना पी, या हय्यो या कय्यूम या बदी समावात पर या दलदलाल वंकराम नव्वर कलबी बेनूर मारिफतिका या अल्लाह या अल्लाह या ऐ अल्लाह तू दलदलाल वंकराम हय्यो कय्यूम है, मेरे दिल नू अपने नूर ना रोशन कर दे ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह या हय्यो या कय्यूम या बदी समावात या दलदलाल वंकराम नव्वर कलबी बेनूर मार, अल्लाह को मंगो अल्लाह तआला सीने रोशन कर दे, जरा सुकून बह जाए बे जो हो रहा ना इतने ची ची करने की लड़ नहीं, बंदा रब को दुआ करता ही रवे मैनू तंदुरुस्ती दे माल दे सब कुछ, मगर जे ना होवे मिले तो शिकायत ना करे, बिल्कुल राजी होवे ना मिलने की बेहतरी ये बेहतर चंगा होंदा। कदे खबी से पाग बनवाया और कईयों के ईमान में गरीबी ना बचाया होया इन्हों माल मिल जाए दे हया हो जाएंगे बदमाश बन जाएंगे काफिर होकर मरणगे, और कईयों दौलत के जरिए बचाया बे उन्होंने गरीबी आ जाए इन्हों का ईमान नहीं देना, ये भी कमजोर लोग आ फिसल जाएंगे, उन्होंने दे के बचाया होया इन्हों ना दे के बचाया होया। मैं जो कर रहा वो हिकमत और फरसवा तुम राजी रहा करो, मैंने आला दीदल हकीम मन के खुश रहो, नाराज ना बला जाल उल मोमिन युसीब उल बला व मसल उल मुनाफिक का मसल शजर तिरदा थी ला तहतज़ु हत्ता तस्ताहदा, बुखारी मुस्लिम। मोमिन नु मुसीबत आती रही है हत्ता कि वह मुसीबत जिससे खत्म होंगी है तो गुनाह तो इतना पाक हो जाता जिमें माँ के पेट से जमया से इन्हें पता भी नहीं तो गुनाह माफ हो गया, और दूसरे पास मुनाफिक और बेदीन लोग वह जड़े मोटे ताजे दरख्त उन्होंने तरह यह उन्होंने चर नहीं बंदे दे पुत बनते जब तक जड़ा तो नहीं कट्टे जाते। दाखला रसूल सलमलाम साहिब फकाला मालक दफरेन नबी अलैहिस्सलाम साहब बीबी जी की खबर ली गया बीमार से, क्या तू किस क्यों कंब रही है, सर्दी ना कंबे काल तल हमा ला बारक अल्लाह की कह गई बुखार है अल्लाह नाम रात न बरकत ना दे बुखार की मुसीबत पै जाए बुखार अल्लाह फरमाया बुखार न बुरा ना कह वैना तुझे बुखताया बनी आदम कमा युजे बुलकीर खबर हजीर, कि जिस तरह पट्ठी जड़ी ना सुनार दी या लोहार की जी लोहे का मैल जरा कट दें, इदा यह बुखार जरा बंदे के गुना कट देता परेशान ना होया करो। कैसे राज है जेडे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू समझा रहा है कि हैरान परेशान ना हो, जो कुछ अल्लाह की तरफ हो रहा तेरा ये दुआ तुहाडा कम है, दुआ तुसी करो, एडी बहादुरी ना दिखाओ कि सानू अल्लाह तआला दी रहमत दी लोड़ नहीं, मेहरबानी मंगो, मगर उस बाद भी जिहड़ा फैसला होवे फैसला उत्ते राजी रहो। खानदान च एक बच्चा बीमार सी बड़ी परेशानी कर
حضرت امام جعفر صادق کری اندر آن کدی باہر جان تے بڑے پریشان تے دعاواں کرن او مر گیا چپ کر کے بہ گیا۔ لوگوں نے آکھیا کہ ہن تے زیادہ رونا پڑنا چاہیے یار، وہ فیصلے دا وقت سی، وہ اللہ تعالیٰ دا محنت سماج چیٹی بیا کر دے، جدو حکم ہی جاری ہو گیا تو ہن جو انہیں فیصلہ کرتا تے راضی نہیں رہنا تو ہور کی ہے، ہن رون پٹن دا کی موقع رہ گیا۔ پہلا سی بندے دا کام ہے آج ہی کرے ترلے کرے، مگر جدو حاکم ایک حکم سنا دے تو حاکم ہی عادل ہوے مہربان ہوے پھر وہ فیصلے سے ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں خوش ہوے۔ ان عظم عظم الجزاء ما عظم البلاء، حضرت انس فرماؤندے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنی وڈی مصیبت بندے تے آؤندیاں اونا ہی زیادہ انعام انہوں ملنا۔ ان اللہ عز و جل اذا حب قوم ابتلاء، جدوں اللہ تعالیٰ کسے قوم نال محبت کردا تو انہوں نے مصیبتاں وچ پاؤندا۔ اسی جانے ہونے اللہ دے پیارے یارے انہوں کیوں دکھ آیا، فرمایا نہیں یہ اللہ تعالیٰ دا طریقہ ہے، فمر رضا فلا رضا، جڑا خوش رہا اس تے انہوں یہ ہوئے حصہ مل گیا، پھر رب دے فیصلے دے راضی ثواب دے ٹھیر کٹھے کر لے، ومن سخت فلا سخت، جڑا ناراض ہویا وہ پلے ناراضگی پئی بگاڑ کچھ بھی نہ سکیا، جڑا ثواب ملنا سی وہ بھی گواہ بیٹھا راضی ہو جا کے جو کردا چلو ثواب تے ملو گا، بیماری جڑی جس طرح مرضی رہ۔ اذا اراد اللہ تعالیٰ بعبد الخیر اجعل له القوت فی الدنیا، اللہ تعالیٰ جدو بندے دے حق سے بہتری چاہتا، اے کئی بچیاں آخر ساری امیاں لی دو پیٹیاں نہیں، میں کس طرح سنا دیو کہ جدو اللہ کسی بندے لی خیر چاہتا نا ان اس دنیا جی نقد کسی مصیبت پا دینا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِ شَرْ أَمْسَكَهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُعَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جنہ دے بارے سزا دا فیصلہ کریندا انہوں نے اس دنیا چ کچھ نہیں آندا، حتیٰ کہ قیامت دن میں انہوں نے بنوں گا، وہ چنگا نہیں ساڈے ویکھن تے بڑا یار خوشحال ہے نہیں بد نصیب آدمی، وہ اللہ تعالیٰ دے عذاب چ آ گیا، اللہ راضی نہیں ہوتے ناراضگی ہے۔ یود اہل العافیت دے یوم القیامت سے ہی نہ یوت اہل البڑا صاحب لا نہ جلود ہم کان فورد کورزت سے دنیا بالمکر، اللہ اکبر۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرماؤں دے، حضرت جابر فرماؤں دے، جدوں دکھی بندیاں نوں قیامت دے دن ثواب ملنا شروع ہویا نا تے جڑے بندے اتھے آرام تے رہے تے کوئی تکلیف نہیں آئی، انہوں نے چاہنا ہے بے ساڈیاں دنیا جڑیاں جسم دے ٹکڑے کینچیاں نال لوہے جنہ کٹ کے جاندے چنگا سی، اسی دکھی ہوندے کی رہا دنیا اتھے رہ گئی چار دن نہیں بخار ہوا تو کی لبا، اس وقت سارے لوگ جڑے دنیا بالکل خیر نہ رہے چاہن گے بھی کاش ان کی کھالیں کاٹ دی جاتی کینچیوں کے ساتھ۔ انہاں چیزاں دے جڑے اللہ دے رسول دے کہن کے ایمان لے انہوں پھر کوئی تکلیف نہیں ہوئی، انہاں دعاواں کیتیاں مگر رب دے کہن تے راضی رہے۔ ابن عباس رضی اللہ فرماؤں دے حضرت عطا بن ابی رباح اپنے شاگرد نے کیا کہ میں تینوں ایک جنتی عورت وکھاواں، یہ عطا شاگرد سی صحابہ کرام تو بعد، انہاں آکھیا ہاں اگر کوئی ایسی جنتی عورت ہے ابن عباس دکھاؤ، انہاں آکھیا حاضر میرا تو سودا اے کالے رنگ دی عورت جڑی جا رہی نے جنتی عورت ہے، عطا تین نبی اثر سن یہ رسول پاک دی خدمت آئی تو کال دی یار سلینی اسرا ہو بینی ات کشف، کہنے لگی اللہ دے رسول مینوں مرگی دا دورہ پیندا تے میں ڈگ پینی ہے تے بے پردہ ہو جانی ہے، ساڈے وانگ شلواراں نہیں سی عرب عورتاں بھی تہ بندی بندیاں سی، فضل اللہ علی اللہ کے دعا کرو میرے لیے پکارا نے سیر تے صبر تے بلا جنا، آپ نے فرمایا جی تو چاہویں تے صبر کر اے تکلیف ادھر ہی رہے تو تیرے لیے جنت ہے، وین سے تے دعوت اللہ یوں آخر کے تے جی تو چاہویں تیرے لیے میں دعا کرنا تے اللہ تندرستی دے اے دے تے چھڑ دیتا، انہیں آخر کالت اللہ دے رسول میں پھر یہ نہیں چاہتی میری بیماری ہٹ جائے میں صبر کروں گی تو آڈا جنت کا وعدہ اللہ پورا کرے، وکالت انی تکشف اینی محنت انہیں کر لی جہاں میں بے پردہ ہونی ہے، فد اللہ تکشف اینی دعا کر دے میں ڈگا بھی پردہ نہ میرا ہٹے فدا اللہ، حضور نے دعا کر دی نہیں بے پردہ نہیں ہوئے گی مگر بیماری اسی طرح رو گی تو یہ بدلے جنت جائیں گی، ابن عباس فرمایا تھا تینوں میں وکھاواں یہ جنتی اور سی جنہیں دنیا کا دکھ جڑا سی انہوں من لیا بھی کوئی گل نہیں روے تو خیر ہے جنت اللہ تعالیٰ دے۔ وان شداد ابن اوس بس سنا بھی انما دخل رجل مریض یہودان، اے دونوں صحابی ایک آدمی وہ گئے بیمار سی خبر فکار لو کہ بس بات پوچھے آ کے سنا کی حال ہے کالا بہت بنے میں انہیں آخیا اللہ کا فضل کالا شداد ابشر کفار سیاحیات بہت تر خطایا، تو حضرت شداد بن اوس نے آ کے تینوں میں خوشخبری دینا گناہ تیرے چڑھ گیا تو گناہ اللہ تعالیٰ نے تیرے تو بالکل دور کر دیتے، فینی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین
मैं अल्लाह के नबी अलैहि सलाम नूं सुनिया क्या फरमाउंदे सी, इज़ा नबतला तो अब मैंने बाजी मोमिन, जब मैं अपने किसी मोमिन बंदे नूं किसी तकलीफ नूं मुबतला करना तो हाँ मेरे नहीं अला मुबतला तू, मगर उस बीमारी चो अजमायश भी मेरी हमद करता, जिन्हें जी है ना तारीफ करता दसो अलहमदुल्ला अला कुल हाल। अरे जी ये दुआ भी बड़ी अच्छी सिखाई आपने, क्या मौके से तुम अलहमदुल्ला कहते रहते जे, मगर जो वक्त आए ना दुखी हालत का उस अलहमदुल्ला अला कुल हाल, अला कुल हाल क्या करो कि हर हाल चो दी हम सिर्फ सुख च नहीं भावें दुख भी होना अलहमदुल्ला अला कुल हाल। और 360 वारी अगर दिन राज पढ़िया जाए अलहमदुल्ला रब्बिल आलमीन कसीरन अला कुल हाल, सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन दी और बहुत ज्यादा और हर हाल से बड़ा सवाब बयान होया। तो तू फिक्र ना कर हिमालिया पहाड़ चली सवाब दे कठे हो जाने 360 ये दिन रात जिक्र कर लिया कर अलहमदुल्लाह रब्बुल आलमीन कसीरन अला कुल हाल। मगर ये बात ईमान दी है कि दिल मने तो फरमाया कि जब मैं अपने किसी मोमिन बंदे को अजमाना तो हमद ही करता फैन यकूम मजे दाले कयाम वाला तुम मैंने लखताया तो जदों फिर अपने उस बिस्तर तो उठता बाद तंदुरुस्ती हो जाती है तो इस तरह ही हो जाता जिमें अपनी माँ के पेट चो जमया गुना खत्म हो चुके हैं। हालांकि हाजिर उम्र से सवाब है भाई कूल रब तबारक तला क्रिय तब्जी रब तलै तू ए होर एक कदर की गल कि मैं और तुम तंदुरुस्ती कुछ नफल पढ़ते सी कुरान चिलावत करते सी बीमार हो गए काम कार इन्ना हो गया उनके वक्त ही नहीं रहा। अल्लाह की किड़ी मेहरबानी यह रहीम रब किसी ने मिलना सदा फरिश्तिया खुदा हुक्म दिता कि मैं अपने बंदे ने एक अजमैश पा दिता हूँ एक तो वक्त नहीं रहा ना यह नफल पढ़ सकता ना तिलावत कर सकता मगर यदा सवाब ना गुम करो बाजरू लहू माँ कुन तुम तुरून लहू जो पहला यदा सवाब लिखी जाते ये नामा माल लिखी जाओ। और इस तो ही रावी आते हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी की खबर ली गैर बड़ा रोए तो शकीक अल्लाह से पूछया कि तुसी रोंदे जी वकाल आई नहीं लाभ की लिया जल मर्द ऐ नेकां नहीं करना क्या मैं बीमारी तो नहीं रोंदा लैनी समेत रसूल सल्लम विकूल अल मर्द कफारा क्योंकि मैं खुद हजूर तो सुनया कि बीमारी के गुनाह दे दूर करने वाली शायद एटों की रोना वैन वैन नम आपकी एन नौ साहबा नहीं अला हाल फतरा वलम सबनी फाल चाल अल्लाह जी बेशुमार रहमत इन्हां लोगों से दीन इन्हें समझा कह लगा यार बीमारी उदों आई जदों मैं हुण ज्यादा इबादत नहीं सी करदा हुंदा बुढ़ा हो गया सी ते थक गया होया सी अगर यह जवानी चाहती तो फिर जो मैं नेकियां करदा लैनो युक्त बले लजरे का मरेदा मकाना युक्त बुरू कबला यमरदा मना मैन मर्द। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बंदे नूं सारा सवाब मिलता रहिंदा जदों बीमार हो जाता जेडे काम वो बीमार होने तो पहला करता सारे नफल वह सारी खैरात सारे लिखा जाता बीमारी उत्तों अगर रोक भी दिंदी चला पाग बना भाई ये मेरा अपना काम है यदा ना सवाब जाय करो यदी नीयत और इरादा यह अल्लाह तला के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बल्ला साढ़े वास्ते बहुत बड़ा सानू तस्कीन का समान है दिल में सहारा मिलता दुख दुख ही रहा मरण आदमी ठंड च रहा जिमें मरम से मरम रखता जाता जख्म से वरना चीं चीं करता रहे बिगाड़ना कुछ भी नहीं खुदा दा। हजरत अयूब अलैहि सलाम अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक अल्लाह तारीफ की थी मैं इम्तिहान लिया और नाल आख्या ने मलब इन्ना बाबा इन्ना जदना साबिर अयूब न मेरे बंदे नू याद करो कि असं उन्होंने इन्हें दुखा च पाया इदा के दुख कोई नहीं 18 साल आप बीमार रहा इन्ना दुखी होया बे हर वक्त ना राख से बैठे रहना सुह से ठीकरा कोल होना अपने जिसम में खुरचते रहना खारस जान ना छड़ दी दुखी और सब मिलने वाले छड़ गए एक बीवी बेचारी नाल रह गई ते दो बंदे से जोड़े कभी कभी मिलना आते उधर मुलाजम जोड़े से उन्होंने आके दसाया बे तुहाडे बच्चे एक मकान की छत थले दावत खा रहा थी छत डिगी है सारा कुनबा मर गया किसी ने आके सलाह देती भी जंगल से इन्ने जोड़े जानवर सब तो ज्यादा अमीर से अपने लागे वो सारा वह कैसी मौत आई है सब जानवर मरे सब खबर मिलिया आपने इन्ना ही किया जो खबर देंदे रहे सही बह जाते रहे और यही कहते रहे खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया खुदावंद का नाम मुबारक भाई वह माल ही लै गया सुबहान अल्लाह अलहमदुल्लाह अल्लाह आंदा इन्ना वजदना साबिरा असा उन्होंने बिल्कुल साबिर पाया और उन्हें किसी मामले शिकायत ना की इन्ना हुआ बाप दुख आए सुख आए वह मूँह मेरे वाल ही रहा तारीफ की खुदा दे ने अपने बंदे की अरे सानू क्या बजे तो तुम मेरे से राजी हो जाओगे रफड़ लोगे मुकाद चैन ना रहो देव कुड़ी क्यों जंपी मुंडा होना सी कारखाने जा क्यों आ गया
बस की करो, रोंदे पिटते रहो, मेरा रगड़ा लगता ही रहना, सुहाब अपना गाँवते रहोगे, मेरी मर्जी से राजी हो जाओ, जजर से मिलता रहूगा, और जे मेरे नाराज रहोगे कम भी खराब हो गया तो गुनाह बखरा समेल लिया। वाखिर दावन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की सैयदना व नबीना मुहम्मद व आलि सहबिह अजमईन। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वान भाई, हाँ अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम सैयदना व नबीना मुहम्मद व आलिही व सहाबी अजमईन। मेरे दोस्त ही उन्हों का बच्चा भी मेरे सामने बैठा, मौलाना चराउ दीन आते थे, बड़े आलम से बहना दीन की बातों सुन, नाल ही सुलेमान भी आता से जी आलम दीन, मगर बहुत मुदत हुई नहीं आए, ये हूँ काफ़ी मुदत बाद आए, उन्होंने दस्या मौलान से फौत हो गए, ये हूँ बच्चा अपनी भैन की शादी करना चाहता, मैं थोड़े सारे अगे आखिर मेरा भाई से ज्यादा तो ज्यादा तावन करो, अल्लाह अदर दे, बड़े समझ आखना आए वो ते दोस्त भाई से, अल्लाह तआला तौफीक दे जाए, जाए नहीं जाना तुहाडा खर्च, अल्लाह कबूल करने वाला मेहरबानी फरमाए, दे दियो अल्लाह दे रस्ते। मौलाना की कबर नूं ठंडिया करो, वो साडे दोस्त जी, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस उन्हां नूं आला मुकाम दे, मगफरत फरमाए, फिर के ना इकट्ठा कर लो ते जेबां अपनियां जिहड़ियां नूं खाली भी कर दिया करो, कि जी कोई वड्डी गल नहीं है, पैसे फिर आ जाने, बटे रब दे रस्ते देना जाए, जाए नहीं जाना, ये कोई पता नहीं यो दिता जो तो किन्ना काम आ जाए। दूसरा एक ऐलान है बड़ा समझो नाखुशगवार, बिल्कुल बुखे दिल ना करना पिया, तो मेरे बयान सुन सुन के लोगों ने कई ने अपने चैनल शुरू कर लाए, मशरक तो मगरब तक ना वैबसाइटा चल गई, वो कई ने ईमानदारी ने कोई गल की, कई ने टुकड़े कढ़ लए, अपने अपनी मर्जी दी गल्लां जिहड़ियां उह गां करतियां, मैनू सगों बदनाम किया, कई लोग सुन के कहन लगे यार मौलाना उहदे चाह तुहाडे पर, हालांकि बिल्कुल इमाम अब्दुल वहाब शाह रानी रहमतुल्लाह अलैह गल हुई भी वो एक इलाके गए थे, उन्होंने जमाने से उन्होंने नाँ से पूरी किताब उस इलाके निरा कुफर, और उत्थे जो उलमा ने फतवा देता कि शाह रानी काफर, जब मैं गए इन्होंने दसिया ना क्या खुदा जानता है, मैं सुनी अज यहोजी किताब भी कोई मेरे नाम से हैगी है, मैं ये एक लफ्ज भी नहीं लिखा ना मेरे दिमाग से, यहोजा कुफर मैं बख सकता, तो ये जे निकल आए ना मीडिया अच्छे भी है मगर इन्हें नुकसान ही बना, इस तो तुम हमें ऐलान सुन लो, और जितों तक पहुंचे सारे खुदा के बंदे सुन लो, मैं कोई मेरा जुमेला खुतबा मेरा कोई दर्स इन अगर नशर करूंगा ना जो चोरी होगी वो मुजरम होगा, सिवाय एक दे क्यों मेरा ना 40-50 साल का बच्चा ऐसे दुबई च इतने ही मेरा खादम से उत्थे भी कर रहा महमूद वाला, उन्हें जो है वैबसाइट चलाई है वो बस उन जो सवाल करना किसी ने वो करे और किसे नू करूगा ना, ना मैं जवाब देना ना किसी हक, सब ने ठगिया की समझो अपने रूल सीधे किए, तो वैबसाइट जो दसा उन्हें www.3 मौलाना इसहाक काम या alkitab.com alkitab.com ए दो जड़े जाना इन्होंने तुम वैबसाइटा से सवाल भी भेजो, 10-12 आए भी है इंशाला, वह भी रिकॉर्ड कराने, इस तो अलावा होर जो भी है ना मैं उस सारे तो थोड़े सामने बरात का ऐलान कर, योजे जिन्होंने इदारे चल मेरा उस कोई चलग नहीं, और अगर योजे काम कर दे अपना कमाइया कर ली तो आपे खुदा हिसाब देंगे, ये महमूद ना राबता करो, सवाल भी भेजने तो आपे मेरे को पूछ लूगा मैं वो जवाब दे दूंगा, और ये यूट्यूब तो और वैबसाइट तो बगैर बाकी सारे ना मैं ला तल की आधार कर ना एवं निकी जी ब्रैक ना कर, ए मई का रसाला इफत बच्चियों वास्ते कारी कीरला साहब को हासिल करो, लै जा करो बच्चिया की तोहफा, ए साथी ने लिखा द्वार साहब बीमारा ली, होर भी एक ही एक मरीज है जिसका नाम गयूर उल इस्लाम है, अल्लाह तंदुरुस्त है, वह भी तंदुरुस्ती दुआ करनी फजल फरमाए, इतने दरम्यान से गल याद आ गई कि शायद तकरीर से भी सवाल पैदा होवे,
ਬਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਰੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ। ਮੱਕਾ ਸੀ, ਦਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਸਨਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦਾ, ਔਰ ਹਾਜੀ ਇਮਦਾਦੁੱਲਾ ਮਹਾਜਨ ਮੱਕੀ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਕੱਢਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਮਜਲਿਸ ਸੀ ਉਲਮਾ ਦੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਸਨੀ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਦਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਹਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਿਹਮਤ ਹੈ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਥਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਬੂ ਆਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਿਹਮਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਹਮਤ ਹਟਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਹਟਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਹਟੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਹਮਤ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਰ ਉੱਠੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਨਿਹਮਤ, ਮਗਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ, ਇਹਦਾ ਬਰਤਨ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਨਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਜੀ ਬਜਾਏ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦੇ। ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਨਿਹਮਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵਰਗੇ ਸਾਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਮਿਲਣ, ਦੁਨੀਆ ਹਟ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲ, ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਯੂਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰੇ ਜੇ, ਵਰਨਾ ਇੰਨੀ ਮੁੱਦਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਬਸਰੇ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤਨਹਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੋਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਝਗੜਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਖਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਝੂਠੀ ਖਾਧੀ, ਆਪ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਫਾਰਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, 18 ਸਾਲੀ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਬਿਠਾਈ ਪਰਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਲਈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਰੱਬੇ ਮਸਾਂ ਨੇ ਅਦਰ ਰੋਲਾਂ ਤਾਰਾ ਮਰਾਜ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਟਾ ਦੇ, ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਮਾਰ ਅੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੰਡਾ ਨਾਲੇ ਪੀ ਵੀ ਅਤੇ ਨਾ ਵੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੇ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਚੰਦ ਵਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲੂਲਾ ਪੰਗਾ ਖਾਣ ਸੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਾਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤਰਲਾ ਹੀ ਕਰਨ, ਹੈਗੀ ਨਿਹਮਤ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਐਮ ਮੌਲਾਨਾ ਫਕੀਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਉਧਾਰ ਮੰਗਵਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਮਾਰਿਫੁਲ ਹਦੀਸ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈੱਟ ਕਸਸੁਲ ਕੁਰਾਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਸਤਫਾ ਪੁੱਛਦੇ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ, ਤੋ ਮਾਰਿਫੁਲ ਇਹ ਐਸੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਰਾ ਤਰਤੀਬ ਆ, ਤਰਜਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਲਕ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਵਰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਨੇਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਮਾਨੀ ਲਿਖੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈੱਟ 8 ਜਿਲਦਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਭ ਹਦੀਸਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ। ਔਰ ਕਸਰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਸੀਵਾਰੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਫਸੀਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਮਗਰ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਝੂਠੇ ਕਿਸੇ, ਕਿਤੇ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਛੀਨਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਸੁਲੈਮਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋਈ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, 4 ਜਿਲਦਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਕਿੱਸੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਫਸੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਤੋ ਯੂਨਸ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੀ ਜ਼ੁਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਸਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਉਮਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅਲ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਜਬ ਈਮਾਨ ਕੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਾ ਤੁਆਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਲੈ ਲਓ। ਮੌਲਾਨਾ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀ ਉਸ ਪੈ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਤ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਹਦੀਸ ਕੇ ਮੈਂ ਫਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਲਿਖਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਪੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਕਰਨੀ ਫਿਕਰਾ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨਦਾਰਾ ਕਬੜੀ ਵਾਜਾ ਬਦਲੂ ਸਿਫਾਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਬਰੇ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਬਰ ਪਾਕ ਦੇਣਾ, 14 ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਾਫਲਾ ਦਰ ਕਾਫਲਾ ਲੋਕ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਮਦੀਨਾ ਕਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜਬ ਮੈਂ ਪਾ ਜਾਤਾ ਹੂੰ, ਹਸਰਤ ਆਤੀ ਹੈ ਜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਮੈਂ ਰਾਹ ਜਾਤਾ ਹੂੰ,
हर बंदा तड़प रहा। और शायर ने बड़ी प्यारी गल कही, मन अगर बालो परे नीदाश्तम, जे मैं जानवरों की तरह पर होंगे मेरे मन प्रीतम सूबे कूए दवाम। हमेशा मैं उड़ उड़ के नबी पाक दे रौजे की तरफ जाया करता, रौजा पाक की ज्यादा अपनी मगर हदीसे पाक दी। यह नहीं आपने फरमाई, ये जड़ा भी किताब मैं लिखता मारा कर आपका नाम लगे कोई शब्द अपने को नहीं कहनी चाहिए। अल्लाह मुसल्ला मुहम्मद नबी उम्मी वाजवाज उम्महात المؤمنین وذریت واہل بیت کما صلی اللہ علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون کیا اپیل جڑی ہے دل کرن ترنے تے کر کے جانی جے مدد برکت دے اللہ